मरने से पहले, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है, वो 3 जगह से निकल कर जाता है। एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नखून बड़ा है उसको काट कर देखना दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कम नहीं होता। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में उसने जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत, उपवास, साधना, दान, पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी